प्रथम करी हरि माखन जोरी हरि माखन हरि माखन हरि माखन चोरी। ये माखन चोरी केवल माखन चोरी नहीं है, प्रेमियों का चित्त ही माखन है और उसकी चोरी करने वाले हमारे माखन चोर प्रभु। बोल माखन चोर भगवान की जय। ऐसा माखन हमारा मन बन जाएगा ना तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो झपट्टा मार लेंगे, अपने वस्तु पर अधिकार कर लेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है? ये माखन चोरी लीला हमारे जीवन में घटित होने लग जाए, माखन चोर हमारे साथ खेलने लग जाए, ये कैसे संभव है? इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले माखन की प्राप्ति के लिए गाय की आवश्यकता है। गाय क्या है? वेद ही कामधेनु गाय है। नित्य शुद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद ही कामधेनु गाय है। और वैदिक ज्ञान उसका सार सर्वस्व दूध, गाय का सार सर्वस्व वात्सल्य उसका दूध है। वो दूध क्या है? संपूर्ण वेदादि उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता, श्रीमद् भगवत गीता दुग्ध है। वेद रूपी कामधेनु का दूध है दुग्धम गीतामृतम महत, महत दुग्धम गीतामृतम, गीतामृत ही दूध है। अब दूध गाय कैसे देगी? जब बछड़ा मुंह लगाएगा बछड़ा जब अपने मुख का स्पर्श थनों से करता है तो गाय पिन्हा जाती है, उसमें वात्सल्य जगता है और दूध उतर आता है, वही दुग्ध कहा जाता है। और बछड़े को दूध पीने नहीं दिया, बछड़ा तो मार दिया या कसाई को बेच दिया, और गाय को इंजेक्शन लगा करके दुह लिया, वो दूध नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वो गाय का रक्त है रक्त। ऐसे दूध को पीने के पीने वाले को गाय के रक्त पीने का पाप लगेगा। अच्छा एक बात बताओ पांडे जी, जब आपके घर में गाय नहीं थी तो आप उस समय भी दूध तो लेते थे, कहीं ना कहीं से दूध लेते थे, उस दूध में जो स्वाद था और आज जो घर की गैया के दूध में स्वाद है उसमें कितना अंतर है? कितनी मिठास होती है, स्वाभाविक मिठास होती है। उसका कारण यह है कि वो विशुद्ध वात्सल्य से दे रही है, वहां गाय को, गाय सुखी है, गाय पर कोई कठोरता नहीं करता, गाय जितना प्रेम से दे दे उतना दे दे, बहुत बढ़िया। अरे अभी यही देख लो, मलुक पीठ में गौ माता का दूध देख लो। हमारे यहां दूध का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, गाय प्रसन्न रहे इतना सा लक्ष्य है। बछड़ा दूध पी के झिक्के पी लिया, बछड़ा अलग हो गया, अब जो बचा हुआ प्रसादी है वो ठाकुर जी का, संतों का। इसलिए बछड़ा कोई कमजोर नहीं है, बछड़ा बछिया कमजोर नहीं है, सब तगड़े। मैया का दूध पिया उन्होंने अपना, इतनी गायों में भी दूध कम होता है। शास्त्र में लिखा है कि जब तक बछड़ा बछिया चारा चरना नहीं सीखते हैं तब तक उनको दूध पीने के लिए छोड़ दो, और दूध पी करके बेतृप्त होके हट जाएं। ये तो मनुष्य ही ऐसा है कि ज्यादा खा जाता है, गले में जलन पड़ रही है, कंड्याई पड़ रही है, और फिर भी दो गुलाब जामुन और खा गया, दो रसगुल्ला और खा गया। अरे कोई बात नहीं, भले ही उल्टी करनी पड़े,
पर देखो मनुष्य के इतर जो जीव हैं वो तृप्ति हो जाएगी तो फिर नहीं खाएंगे। बछड़ा बछिया दूध पीने के बाद पेट भर जाएगा फिर अलग हो जाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। तो डेढ़ दो तीन महीने तक जब तक कि वो ऐसा नहीं हो जाता तब तक उसको इस तरह से, और बाद में बचा हुआ आप ले लो। फिर आगे चलकर भी दो थन बछड़े बछिया के हैं, दो थन पर आपका अधिकार है। ग्रंथ में लिखा है, पुराण में लिखा है, दो थन से ज्यादा जो ग्वारिया गाय के थन दोहे, राजा को चाहिए कि उस ग्वारिया को बुलाकर उसके दोनों अंगूठे काट दे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। अंगूठे दोनों काट दिए जाएंगे तो धार काटना मुश्किल हो जाए, नहीं काट सकता धार। क्यों? क्योंकि गाय को निचोड़ कर धार काट करके तुम गाय की नस्ल बिगाड़ रहे हो। क्योंकि जब तक वो बछड़ा बछिया तृप्त होकर दूध नहीं पिएंगे तब तक वो उन्नत वृषभ और उन्नत गाय कैसे बनेंगे? वो बचपन में ही कुपोषण का शिकार हो गए तो उन्नत प्रजाति उनकी कैसे बनेगी? इसलिए वो बहुत बड़ा शत्रु है जो गाय की नस्ल का संहार कर रहा है, उस ग्वारिया के अंगूठे काट देना चाहिए। यहां तक लिखा है। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि बछड़ा से पिन्हाया हुआ दूध लेना चाहिए। बछड़ा कौन है? जिज्ञासु ही वत्स है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा ही बछड़ा है, उस वेद रूपी कामधेनु गाय का बछड़ा है। और जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाव से आप गाय के आंचर में अपना मुख स्पर्श कराएंगे तो उससे दूध झरेगा। उस दूध का नाम है मनुष्य मात्र के लिए परम उपकारी परम हितकारी गीता शास्त्र। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, संपूर्ण सनातन धर्म के सदग्रंथों को यदि एक ग्रंथ के रूप में कहना पड़े तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। गीता जैसा ग्रंथ न भया न आगे होगा न आज है। गीता स्वाध्याय करने वाला, गीता का प्रचार प्रसार करने वाला भगवान को अतिशय प्रिय हो जाता है। बहुत श्रेष्ठ चीज है गीता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि केवल भारतवर्ष का नहीं संपूर्ण विश्व की मानव जाति का प्रधान ग्रंथ गीता बन जाए, पूरे संसार में गीता पढ़ाई जाए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक नए विश्व का निर्माण होगा। लेकिन हम दूसरों से ऐसा क्या करें, हमारे देश में गीता नहीं पढ़ाई जा रही। हम अपने गुरुकुल के आचार्यों से निवेदन करेंगे कि भले ही दो दो चार चार करके श्लोक ही सही, पर हमारे गुरुकुल के प्रत्येक ब्रह्मचारी को आद्योपांत गीता कंठस्थ होनी ही चाहिए। बहुत सरल है। आज संस्थाएं ऐसी हैं जो गीता पूरी सुनाने वालों को पुरस्कार देते। दक्षिण भारत में संस्थाएं 20-21 हजार रुपये, अष्टाध्यायी सुना दो 21 हजार रुपये ले आओ पुरस्कार, गीता सुना दो कितने हजार रुपये ले आओ। दक्षिण में है संस्था, आपको दक्षिण जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुनाओ तो मलुक पीठ से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। गीता, सबको गीता कंठस्थ होनी चाहिए। हम जोर दे के इसलिए नहीं कह रहे हैं, हमको खुद कंठस्थ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं के श्लोक उठ जाते हैं, बाकी जैसे ये हमारी भूल है, कमी है, जो हमें पूरी गीता आद्योपांत कंठस्थ नहीं है, होनी चाहिए। तो दुग्धम गीतामृतम महत, गीतामृत दूध है।
दूध कहाँ दुहा जाएगा? धरती में कहाँ दुहा जाएगा? किसी पात्र में दुहा जाएगा। इस वेद रूपी कामधेनु गाय के गीता रूपी दुग्ध को जो जिज्ञासु रूपी बछड़ा के मुख लगाने से प्रकट हुआ है, उस दूध को कहाँ भरा जाएगा? हृदय रूपी पात्र में भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? किस मार्ग से भरा? धार कहाँ काढ़ी जाएगी? यहाँ, यहाँ धार काढ़ी जाएगी। यहाँ धार काढ़ के भीतर भरा जाएगा, हृदय में भरा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बर्तन में आपने धार काढ़ी और बर्तन में छेद है तो पात्र में छिद्र है तो दूध उसमें ठहरेगा, बह जाएगा? अच्छा चलो पात्र में छिद्र नहीं है, पात्र में ही कोई दोष है, उसमें खटाई है तो फट जाएगा। तो साधक का हृदय रूपी पात्र निश्छिद्र होना चाहिए। हम गीता भले ही पाठ करें, गीता को कंठस्थ कर लें, पर यदि निश्छिद्र हृदय नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा नहीं, उसमें से क्षरित हो जाएगा, बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। छिद्र क्या है? कुसंग ही छिद्र है। आपके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का रस तब ठहरेगा जब आप अपने भीतर के कुसंग के छिद्र बंद कर दोगे। सभी प्रकार के कुसंग त्याग दोगे तो सत्संग रूपी दूध का असर आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। सबसे पहला कुसंग है आहार का कुसंग, खान पान का कुसंग। खान पान का कुसंग सर्वथा त्याग देने योग्य है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही पवित्रता पूर्वक बनाकर भगवान को भोग लगाना, वही पाना। और पवित्रता पूर्वक कमाए हुए कमाई से और आहार की व्यवस्था जुटाना और उसी का आहार करना। आप दूध पी रहे हो पर जिस धन से दूध की व्यवस्था कर रहे हो वो धन लूट खसोट कर इकट्ठा किया गया है, तो वस्तु पवित्र है किंतु उसके उत्पादन का जो मूल है वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध होने के कारण वो अशुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए वस्तु भी शुद्ध होनी चाहिए, उसके उपार्जन की पद्धति भी शुद्ध होनी चाहिए। ये है आहार शुद्ध। दूसरी चीज है आहार का दोष, आहार का कुसंग न हो। पवित्र आहार हो, अपवित्र आहार का कुसंग न हो। दूसरा कुसंग है विचारों का कुसंग। साधक के मन में ऊट पटांग विचार नहीं उठने चाहिए, उठें तो उनको अपने विवेक से समाप्त कर दो, उन पर अंकुश लगाओ, भगवत चिंतन करो, संतों के चरित्रों का चिंतन करो। ऊट पटांग चिंतन नहीं होना चाहिए, जैसा चिंतन बनेगा फिर धीरे धीरे वैसी क्रिया होने लग जाएगी। इसलिए विचारों का कुसंग त्याग है। पहला कौन कुसंग? खान पान का कुसंग। दूसरा विचारों का कुसंग। तीसरा व्यक्तियों का कुसंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। दुष्ट लोगों का संग, जो भगवत विमुख प्राणी है उनके कुसंग का त्याग। कितने हो गए? तीन। चौथा है वेशभूषा का कुसंग। हम पवित्र वेशभूषा धारण करें, वैष्णवोचित वेशभूषा, ये पवित्र वेशभूषा है। वेशभूषा का भी सत्संग होता है और वेशभूषा का भी कुसंग होता है। ये हमारे सज्जन शर्मा जी हैं, ये भगवान की कृपा से खूब पढ़े लिखे हैं। वैसे तो अंग्रेजी शिक्षा इनकी हुई है और ये सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट, क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते, क्या कहते हैं, वो हैं, ये सीए हैं। पर इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी है, शुक्ल यजुर्वेद भी इन्होंने पूरा पढ़ा है,
ज्योतिष भी पढ़ी है, इधर भी पूरा इनको ज्ञान है और भगवत कृपा से त्रिकाल संध्या करते हैं, नित्य एक सहस्र गायत्री का जप करते हैं, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करते हैं और अब ब्रजवास कर रहे हैं तो वेशभूषा भी यही है इनकी। अब हम एक आपसे बात कहते हैं कि इस वेशभूषा में ये सिनेमा देखने जाना चाहे मथुरा तो नहीं जा सकते। सज्जन जी के मन में आ जाए कि चलो अब यहाँ तो कोई नहीं, चलो मथुरा जाके सिनेमा घर में जाके सिनेमा देख के आएं, रोकेगा कोई नहीं, टिकट तो इनको भी मिल जाएगा, पर जैसे ही सिनेमा हॉल में जाकर बैठेंगे तो हो सकता है बहुत से लोग पर्दे की ओर ना देख कर इनके चेहरे की ओर देखें, अरे ये इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के ये पंडित जी कहाँ से आ गए, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई सिनेमा घर में आने की, हम चले जाएं तो तब तो और आश्चर्य हो जाएगा, अरे ये बाबा जी कथा कहने वाला ये क्यों चला आया यहाँ। हमारी ये पवित्र वेशभूषा जिस वातावरण में हमें नहीं जाना चाहिए वहां जाने से हमको रोकती है, तो ये पवित्र जो हमारी भारतीय वेशभूषा है ये वेशभूषा का सत्संग है, ये हमें बुरे मार्ग पर जाने से रोकता है, इसलिए हमारी पवित्र वेशभूषा हो। हम ठीक है आजकल नौकरी चाकरी का जमाना है, व्यवहार में जिसको जैसे अनुकूल पड़ता हो वैसे करें, लेकिन अपने घर में जब रहें तो पवित्र भारतीय वेशभूषा में रहें, कथा कीर्तन सत्संग में रहें तो धोती कुर्ता पहन के रहें, मस्त सुंदर भगवान के सामने बैठें, घर में भोजन करें तो लगे कि हाँ कोई भारतीय व्यक्ति है, वेशभूषा का सत्संग। और ऐसे कई कुसंग हो सकते हैं, इन समस्त प्रकार के हाँ पढ़ने लिखने का भी कुसंग होता है, अश्लील साहित्य अनुचित साहित्य जो हमें न दृश्य ऐसे देखने चाहिए ना हमें पढ़ने चाहिए, यदि उस उन ऐसे दृश्यों को देखते या पढ़ते या सुनते हैं तो ये कुसंग हुआ और इस कुसंग से हमारा पतन हुआ। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं इस समय मोबाइल से लोगों का बहुत पतन हो रहा है, आप ईमानदारी से अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस मोबाइल वाले कुसंग को छोड़ दो, इससे कथा सुन लो, कुछ बढ़िया चीज देखनी हो देख लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाँ ना में जवाब दे लो, इतना तक तो ठीक है, पर इसमें जो अनेक प्रकार की गंदगी है इससे दूर होना चाहिए। अब क्या कहें हम आपको, यद्यपि ये लाइव कथा है लेकिन फिर भी हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, साधु और ब्राह्मण ब्रह्मचारी विद्यार्थी भी मोबाइल के कुसंग के शिकार हो रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं मोबाइल में, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, सारा कुसंग इसमें है। हमारे यहाँ इन बटकों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं है और ऐसे जंगल में वहां बाजार बाजार तो है ही नहीं कि कहीं जाके चाट पकौड़ी खाएं, हमें सो सुविधा नहीं है, इसीलिए ये सब तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं, सात्विक दिखाई पड़ रहे हैं, भारी कुसंग है। और अब रहा सहा कोरोना क्या आया, ऑनलाइन पढ़ाई लियो साहब, ऑनलाइन सब पर स्मार्टफोन आ गया, अब क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भगवान जाने, क्या पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। गरीब से गरीब लोग कर्ज करके स्मार्टफोन अपने बच्चों को खरीदवा रहे हैं और सब लड़के लड़की सब बिगड़ रहे हैं फोन से, सारा कुसंग इसमें भरा हुआ है। तो हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि जो साहित्य पढ़ने से अथवा जो दृश्य देखने से हमारे चित्त पर विपरीत प्रभाव पड़े, हमारे चित्त में तमोगुण के रजोगुण के संस्कार उत्पन्न हुए, ऐसी चीजों के संपर्क संबंध का त्याग
इस प्रकार से समस्त प्रकार के कुसंगों का त्याग जब आप कर देंगे तो आपके हृदय में सत्संग का, ज्ञान का, गीता का दुग्ध ठहरेगा। अब उसमें खटाई नहीं होनी चाहिए। खटाई क्या है? कामना की खटाई, कपट की खटाई। आप जो कुछ करो केवल अपने ठाकुर को रिझाने के लिए करो, कोई कामना नहीं। कामना नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? कपट नहीं होना चाहिए। आहा, जल पय सरिस बिकाय देखहु प्रीति की रीति भल बिलग हो ये रस जाए कपट खटाई परत पुनी। दूध क्या भाव चल रहा है बाजार में? हैं? 60 रुपए। और दूध में पानी मिलाकर दूधिया बेचते हैं तो पानी भी 60 रुपए लीटर बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? दूध के साथ पानी बिक जाता कि नहीं? जल पय सरस विकाय, और एक फांक नींबू की निचोड़ दी तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग। ऐसे ही हरि गुरु संत, इनसे सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार। ये नहीं होगा तो खटाई रही आएगी हृदय रूपी पात्र में। कुसंग का छिद्र न होने पर भी इस कपट की खटाई से ज्ञान रूपी दुग्ध फट जाएगा। निश्चल निष्कपट व्यवहार, इतनी सावधानी कर लो तो आपके हृदय में गीता का दूध ठहर जाएगा। और उस ज्ञान का फल क्या है? उस ज्ञान का फल है भगवत दर्शन की व्याकुलता का उदय होना, उत्पन्न होना, कि अब पता चल गया कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य भगवत चरणारविंद की प्राप्ति है। तो अब भगवत दर्शन की व्याकुलता हुई, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कुसंग की कोई सीमा नहीं है। अश्लील साहित्य पढ़ने देखने का तो कुसंग होता ही है। एक कुसंग और है, बड़ा भारी कुसंग है। उस कुसंग का नाम है, हमने न कभी छुआ न खेला, न हम उस खेल के बारे में जानते हैं, लेकिन नजर जरूर पड़ जाती है। ब्रज में भी, गांव गांव में, क्या कहते हैं उसको, ताश के पत्ता खेलते हैं और बड़ी जोर से बोलते, ए इक्का, ऐसे पटकते हैं जोर से, ये बादशाह, ये बेगम। भगवान जाने कहां से बादशाह बेगम घुसड़ी चले आए। एक बंगला कहावत हमने सुनी, ताशा वाशा नासा यही तीन टो नाशा। बोले ताशा वाशा, ताशा ताश, और बहुत कपड़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़ा पहनना, और नाशा माने नशा करना, ये तीन चीज करोगे तो नष्ट हो जाओ। पहले जुआ खेला जाता था पांसों से, और अब जुआ खेला जाता ताश के पत्तों से। वो जुए के पास हैं ताश के पत्ते, इसलिए ताश खेलना भी बहुत भारी कुसंग है। आप भजन करते हो, ताश खेलते हो तो साहब आपका गुड़ गोबर कुछ नहीं आपके हाथ लगा, ताश मत खेलो भाई। अच्छा सही सही बताना, वृंदावन धाम है, कार्तिक का महीना है और हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी की जयंती पे झूठ बोलोगे तो समझ लो हनुमान जी, रावण तो एक घूसा नहीं झेल पाया, तुम्हारी क्या औकात है। सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना, ताश कौन कौन खेलता है? वाह,
कितने सभ्य लोग हैं सब, एक एक महापुरुष ने कम से कम हाथ उठाया हुआ है। हाँ वाह जय, आपने 10 साल से इस व्यसन को छोड़ दिया, इसलिए आप में इतनी शक्ति आई कि आप खड़े हो गए, धन्यवाद है आप। देखो पाप छिपाने से बढ़ता है और प्रकट करने से समाप्त हो जाता है। अब तमाम ताश खेलने वाले यहाँ बैठे, लेकिन सब चुपचाप बैठे, कोई नहीं बोल रहा कि हम ताश खेलते हैं। अरे भाई वृंदावन में आए हो, आज इस बुराई को त्याग दो, आज ताश के पत्ता को दाह संस्कार कर दो। दाह संस्कार ही क्यों करो, दाह संस्कार तो अच्छे का होता है, किसी कचड़े की गंदगी के ढेर में पटक दो उसको, मत खेलो ताश, भजन करो, माला ले, ताश मत खेलो, त्याग दो। हम लोग बुराइयां तो छोड़ना नहीं चाहते, अब कहते हैं हमको भगवान मिल जाए। भगवान कैसे मिलेंगे भाई? अब ज्ञान का फल है भगवत दर्शन की व्याकुलता, यह है विरह की अग्नि। ये विरहाग्नि जब जगेगी दर्शन की व्याकुलता, तो उस आग में दूध ओटेगा। साधन का फल है दर्शन की विकलता, यदि दर्शन की व्याकुलता नहीं जगी तो अभी साधन सफल नहीं हुआ। दर्शन की विकलता ऐसी जगे कि अहर्निश रोना शुरू हो जाए, संसार अच्छा ही न लगे, न खाना अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, न बोलना अच्छा लगे, तो समझ लो अब भगवान की प्राप्ति के हम निकट पहुंच गए। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती, तो सब ही सुहागिन हो। कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। रुदन शुरू हो जाए, इस विरह की अग्नि में दूध ओट जाएगा। कई बार उठपटांग संकल्प भी मन में आएंगे, लेकिन नहीं, सत्संग के द्वारा समता में बुद्धि की जो साम्यावस्था है, उस अवस्था में उस ताप को थोड़ा ठंडा करना है। कथा कीर्तन के द्वारा उस विरह की अग्नि को, उस विरह से उबलते हुए ज्ञान रूपी दुग्ध को कुछ शीतल करना है, और शीतल करने के बाद कितना शीतल करना कि वो जामन डालने के योग्य हो जाए, उसमें जामन डालना है। आओ उसमें जामन डालना है। आ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक कोई नहीं है तब तक रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और जब कोई आ जाएगा तो अपने तो पहले से सवे भूमि गोपाल की है ही है। क्या कह रहे थे हमको याद दिलाना है? हाँ, अब जब कुछ हल्का गुनगुना हो गया तो फिर जामन डालना है। जामन डालने से वो बढ़िया से ओटाया हुआ दूध जम जाएगा, जम कर दही हो जाएगा। जामन कौन डालेगा? गोपी डालती है जामन। कौन डालेगा जामन? गोपी जामन डालती है। बिना भंडारा के? अच्छा चलो ठीक ठीक। तो गोपी जामन डालती है, और वो जामन क्या है? ये गोपी कौन है?
संत सदगुरु देव ही गोपी है, संत सदगुरु देव ही गोपी हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोभी ही पिवति कृष्ण रसम, जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। भगवत रस का आस्वादन करने वाले जो महत्पुरुष हैं वे गोपी हैं। उनके चरणों में जाए कि प्रभो अब तो बस दरस बिन दुखन लागे ने, तब वे कहेंगे बेटा रो मत, दुखी मत हो, लो हम तुमको ये देते हैं। जामन तो थोड़ा सा होता कि नहीं, वो भगवान का नाम सुना देंगे और तब जम जाएगा। इसका आशय समझे नहीं समझे, इतना हो जाता है उसके बाद दीक्षा की योग्यता होती है। बात यही है, हमारे में न तो पात्र है, न दूध है, न उसमें जामन देने की योग्यता आई और इसलिए वो लाभ नहीं हुआ। क्योंकि दीक्षा का प्रयोजन क्या है? शास्त्रों में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए सदगुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाए? बोले समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। किस लिए? तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञान भगवत तत्व के अपरोक्ष विज्ञान के लिए प्रत्यक्षानुभव का संकल्प लेकर के शरण में जाए। ये संकल्प तो प्राय होते ही नहीं लोगों के। फिर जब केवल नाम में अपना पूरा समर्पण कर देगा, तन मन प्राण से नाम में लग जाएगा, मंत्र में लग जाएगा, तो जम जाएगा, दही हो जाएगा। और जब दही हो जाएगा तो उस दही को मथना पड़ेगा विचारों की मथानी डालकर, प्रेम का सद जल छोड़ करके, प्रेम का जल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, विशुद्ध जल, निष्कामता का जल, प्रेम का जल, उसको छोड़ करके जब विचार रूपी मथानी से घर घर करके मथोगे तो छाछ छाछ नीचे रह जाएगी और माखन माखन ऊपर आ जाएगा। यह है माखन को प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऐसा माखन जब आपके हृदय में आ जाएगा ऊपर तैरता हुआ, तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा। माखन चोर बिना बुलाए बिना न्योते के दौड़े हुए चले आएंगे और फिर आपके हृदय रूपी घर में घुस करके आपके मन रूपी माखन की चोरी करके आपको निहाल कर देंगे, आपको धन्य कर देंगे। ये सामान्य थोड़ी है माखन चोरी लीला, सामान्य लीला नहीं है। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधार रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है। एक उत्सव में व्यस्त थे इसलिए महाराज जी नहीं आ सके और अब आज उनकी कृपा करुणा बरस रही है, हम उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। सभी लोग यथावत अपने स्थान पर बैठे रहे। बाबा श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि सीधा साधा अर्थ है माखन, माख न, माख माने होता है क्रोध, न माने नहीं। जो क्रोध रहित हो चुके हैं महापुरुष यहां बैठ जाएंगे। जब जो महापुरुष क्रोध रहित हो चुके हैं वे उनका चित्त ही माखन बन गया, और जब चित्त माखन बन जाएगा तो माखन चोर की सहज कृपा हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
श्री गोरीलाल कुंज बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। विशुद्ध भगवद अनुराग यही माखन है। संतों ने कहा है माखन माखन संतों ने खाया, या तो ठाकुर जी ने खाया या संतों ने। छाछ जगद बबरानी, दुनिया के पल्ले तो छाछ ही पड़ी। मीरा जी भी यही कहती है, दही की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लीनो छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। संतवाणी में संतों ने भगवत प्रेम के आगे ज्ञान कर्म आदि को छाछ माना, वो नीचे रह जाते। विशुद्ध भगवत अनुराग यही माखन है। और ऐसी माखन चोरी लीला हमारे हृदय में बस जाए तो हमारा काम बन जाए। जय जय श्री राधे। भगवान की ये जो लीलाएं हैं वो ऐसा नहीं समझना कि ये सामान्य लीलाएं हैं। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा परमहंस योगींद्र महामुनिन्द्र ऋषि वे कठोर तप करके ब्रज में गोपी बने हैं और उनके घरों में भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।